हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा हियर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियोज़। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है कि मैं यूट्यूब क्विट करने वाली हूँ। बट फ्रेंड्स, क्या करें? अगर यूट्यूब क्विट ना करें तो क्या करें, आप बताओ? कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं। मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं वो करते क्या है, मतलब वीडियो को देखते भी नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे वॉच टाइम जो आ रहा है वो नॉन सब्सक्राइबर से ही आता है। यार, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो मेरे वीडियो को, तभी तो आगे हम और कंटेंट अपना बढ़ा सकेंगे। अब कुछ 500 वीडियो डालने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब ये यूट्यूब की गलती है या आप लोग चैनल पसंद नहीं कर रहे हो? आप लोग को अगर नहीं पसंद है तो आप लोग कमेंट में बताओ कि हमें आपकी वीडियो में ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, तो हम अपने वीडियो को चेंज करें। क्योंकि मुझे आर्ट मेरा पैशन है, मुझे जो भी अच्छा लगता है आर्ट में मैं बस वो बनाती हूँ और मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मुझे भी, मैंने आज तक कोई भी ड्राइंग मतलब ऐसा कुछ सीखा नहीं है। ड्राइंग में मैंने जो भी सीखा है अपने मन से ही सीखा है, तो जो मुझे ड्राइंग में आता है तो मैं आप लोगों के संग उसे शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के संग शेयर करना। पर शेयर करने के लिए ये भी तो है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो ये भी ज़रूरी है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले बनाने का, मन करे कि मैं और भी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स आगे बनाती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आपने कल की वीडियो में भी देखा ही होगा कि मैंने मधुबनी पेंटिंग जो बनाई थी उसके बारे में सब बताया कि मैंने उसमें कौन से कलर यूज़ किए, कौन से टूल्स यूज़ किए, कैसे बनाया, सब मैंने आपको ए टू जेड बता दिया था। कि मैंने कोई भी बात नहीं छिपाई कि मैंने क्या, मतलब कोई भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो मैंने छिपाई उसमें कि मैंने ये यूज़ किया और मैंने आपको बताया नहीं। मैंने आपको सारी सीक्रेट्स जो हैं बता दिए कि मैंने इस तरह से मधुबनी पेंटिंग बनाई है, इस तरह से फार्ट पेंटिंग बनाई है। तो कल से आप कलमकारी का लेसन चालू हो जाएगा। तो कलमकारी के जितने भी लेसन्स मैंने वीडियो बनाई है तो कल से मैं वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। तो कलमकारी ड्राइंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कलमकारी ड्राइंग जो है ये आंध्र प्रदेश की ड्राइंग होती है। ये आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर बनाया जाता है, ये हाथ से ही बनाते हैं और ये ब्लॉक प्रिंटेड भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये कोई बाँस की लकड़ियाँ आती हैं तो उससे बनाते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका तो वही है बनाने का, लेकिन मैंने इसको परमानेंट पेन से बनाया है। तो परमानेंट पेन से भी ये काफ़ी अच्छा बन गया है, तो आप कह नहीं सकते हो कि परमानेंट पेन से बना है, काफ़ी बहुत ही सुंदर बन गया है ये। तो कल से मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आप कलमकारी ड्राइंग्स अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ यार, सपोर्ट माई चैनल। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग करने में। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को वॉच भी नहीं करते हो तो हमें सोचो हमें कितना बुरा लगता है अंदर से। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।